तो दोस्तों हमें पिछली वीडियो में लव का डेफिनेशन समझ आया है ना, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो इस ये जो लव है इस लंप का हम टेम्परेचर प्लॉट करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मान लीजिए आपके पास लंप है, छोटा सा मेटलिक बॉल है, कॉपर बॉल है जो कि बहुत ज्यादा गर्म है, और उस कॉपर बॉल को हम पानी में डुबो देते हैं, पानी में गिरा देते हैं, तो वो जो कॉपर बॉल है ठंडा होना शुरू होगा, तो कॉपर बॉल के जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में टाइम के साथ कंटिन्यूस ड्रॉप आएगा। तो वो ड्रॉप किस तरह का होगा, वो ड्रॉप किस तरह का प्रोफाइल फॉलो करेगा, टेम्परेचर फंक्शन फॉलो करेगा, वो हम यहाँ डिराइव करने वाले हैं। और आप ये देखेंगे कि ये जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो आइए इस फंक्शन को डिराइव करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास किसी भी तरह का लंप है, ठीक है, जो कि साइज में बहुत छोटा है और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है। अब क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई है तो हमारा जो टेम्परेचर है इस लंप के अंदर वो लोकेशन का फंक्शन नहीं होगा, वो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होगा। तो किसी भी टाइम इंस्टेंट पे मान सकता हूँ कि इस बॉडी का कोई भी लोकेशन ले लो, वो जो टेम्परेचर है वो टी है, और उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, टी एज अ फंक्शन ऑफ टी। ओके, नाउ दिस हॉट लंप, तो t इक्वल टू जीरो पे इसका जो टेम्परेचर था वो था t इनिशियल, ठीक है, और इस हॉट लंप की जो वॉल्यूम है वो है मे बी v, इस हॉट लंप का जो डेंसिटी है वो है मे बी रो, और इस हॉट लंप का जो स्पेसिफिक हीट है उसको हम cp ले लेते हैं, cp एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो सॉलिड बॉडी की बात करते हैं। अब इस हॉट लंप को आपने क्या किया, आपने एक फ्लूइड में ड्रॉप किया, और उस फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो t इनफाइनाइट है, और मैं अज्यूम करूंगा, ठीक है, टी एफ ले लेते हैं अभी के लिए, इनफाइनाइट नहीं लेते क्योंकि हमने कन्वेक्शन की डिस्कशन नहीं कही है किसी भी वीडियो में। तो मान लेते हैं कि इस फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो टी एफ है, और फ्लूइड का मास बहुत बड़ा है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन हो भी रही है तो फ्लूइड मास इतना बड़ा है कि उसके टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है वो इनसिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है, ठीक है। तो हम मानेंगे कि फ्लूइड के टेम्परेचर में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, और हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि जो सरफेस एरिया है इस लंब का वो ए एस है, ठीक है, और इस सरफेस और फ्लूइड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन है वो है एच, ठीक है। तो होगा क्या, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इनके बीच में हीट इंट्रैक्शन होगा, और ये एक सॉलिड है ये एक फ्लूइड है, तो इनके बीच में जो हीट ट्रांसफर होगा वो कन्वेक्शन के थ्रू होगा। नाउ प्लीज रिमेम्बर, जब मैं पहली वीडियो की बात कर रहा था तो उस वीडियो में मैंने कहा था कि उस मीडियम में कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है ना, दरअसल वो मीडियम कोई कन्वेक्शन नहीं हो रहा, दरअसल वो मीडियम हमारा लंप था, ठीक है। तो मीडियम के अंदर कोई कन्वेक्शन नहीं था, मीडियम के अंदर कोई रेडिएशन नहीं था, मीडियम के अंदर सिर्फ कंडक्शन था, ठीक है। हालांकि मीडियम और फ्लूइड के बीच में तो कन्वेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो पहली वीडियो में जो मेरी स्टार्टिंग थी वो लंप के अंदर की बातों से डील कर रही थी, लंप के अंदर का टेम्परेचर फंक्शन डील कर रही थी, ठीक है। तो अब एज्यूम करते हैं कि t इक्वल टू जीरो पे क्योंकि टेम्परेचर टी आई है और हम लोग हॉट बॉडी की बात कर रहे हैं, यानी टी आई जो है वो टी एफ से ज्यादा है, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इन दोनों बॉडीज में, इन दोनों सब्सटेंसेस में कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर होगा, है ना, और ये हीट ट्रांसफर कैसे होगा, सरफेस के थ्रू कन्वेक्शन होगा। अब न्यूटन्स रिकमेंड लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो हमें हीट कन्वेक्शन रेट की वैल्यू बताता है, तो वो कहता है अगर किसी टाइम इंस्टेंट टी पे जो आपके लंप के सरफेस का टेम्परेचर है, यानी लंप बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो अगर टी है तो आपके पास जो रेट ऑफ हीट कन्वेक्शन आएगा फ्रॉम द सरफेस टू द फ्लूइड दैट विल बी सिंपली गिवन एज एच ए एस इनटू टी माइनस टी एफ, ठीक है ना। तो टी क्या है, आपका लंप का टेम्परेचर है, तो अगर हीट बाहर जा रहा है तो जब हीट बाहर जाएगा तो इस बॉडी का क्या होगा, इस बॉडी की एनर्जी में कुछ ना कुछ फॉल आएगा, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं कि अगर dt टाइम पीरियड में जो हीट बाहर गई है दैट इज q डॉट कन्वेक्शन इनटू dt, व्हाई, क्योंकि ये रेट ऑफ हीट कन्वेक्शन है, तो dt टाइम पीरियड में जो हीट जाएगा वो रेट इनटू टाइम पीरियड करेंगे तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ हीट मिल जाएगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट ये बाहर जा रहा है, ठीक है, हीट बाहर जा रहा है, और अगर आपको याद हो थर्मोडायनेमिक्स की कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं तो आप लिखते हैं हीट कमिंग इनसाइड, नेट हीट कमिंग इनसाइड माइनस नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। तो जो इसका पॉजिटिव साइन कन्वेंशन है वो है हीट कमिंग इनसाइड, तो जो हीट गोइंग आउटसाइड होता है उसको आप नेगेटिव लिखते हैं, है ना। तो ये वाली जो मैग्नीट्यूड है जो कि बाहर जा रही है इसको हमें नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो आप dt टाइम पीरियड में जब इस लंप का
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखेंगे तो आप लिखेंगे नेट अमाउंट ऑफ हीट कमिंग इनसाइड, तो ये कन्वेक्शन जो है इसके साथ नेगेटिव लगाना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब क्योंकि टाइम पीरियड बहुत छोटा है तो चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी बहुत छोटा होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, चेंज इन एनर्जी को dE लिख सकते हैं, है ना। मगर क्योंकि सॉलिड बॉडीज की बात कर रहे हैं और हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो सारा केस है ये सेंसिबल हीट का केस है, तो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है मगर फेस में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो जो आपका dVE है वो सिंपली बन जाएगा mCpdT। इसमें m क्या है, मास ऑफ लंप है, cp क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ लंप है, और dT क्या है, चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग इनफाइनाइटसिमल टाइम पीरियड dT। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस एच ए एस इंटू T minus T of fluid into dT, right? अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे लगता है ये जो equation है, ये equation हमें rate of change of temperature of lump बता सकती है। कैसे? dT क्या है? Small change in temperature और in time period dT, right? Small change in temperature in time period dT। तो आपके पास जो ratio बनेगा d of capital T by d of small t, that is simply equal to minus HAS into T minus TF divided by MCP। अब देखिए मास को हम density into volume लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, rho V CP। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि किसी भी time instant पे, किसी भी time instant का अगर आपको temperature पता हो और अगर आपको ये सारी properties पता हो तो हम उस time instant के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर लिख सकते हैं। ठीक है, मगर क्योंकि टाइम के साथ ये जो कैपिटल टी है इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो इसका मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो भी कंटिन्यूअसली चेंज करेगा। ठीक है, अब देखिए हम इस इक्वेशन को अगर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से इंटीग्रेट करें तो मुझे लगता है अगर हम कैपिटल टी की टर्म्स को एक साइड ले आए और स्मॉल टी की टर्म्स को एक साइड ले आए, क्योंकि बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट्स की तरह बिहेव कर रही हैं, तो हमें टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज करता हूँ, तो d ऑफ कैपिटल t d ऑफ टेम्परेचर डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर माइनस फ्लूइड टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस h a बाय रो v c p इनटू स्मॉल d ऑफ स्मॉल t d ऑफ टाइम, राइट। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, हम इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो किसी तरह का कांस्टेंट भी आएगा। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए नेचुरल लॉग ऑफ x का अगर डिफरेंशियल करते हैं तो 1/x आता है, तो 1/x का जब इंटीग्रल करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ x बन जाएगा। इसी तरह ये क्या है, 1/T - TF, राइट। तो इसका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल T माइनस TF, है ना, सही है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये तो देखिए कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रल जो है स्मॉल टी ही आएगा, तो आपके पास बन जाएगा माइनस एच ए बाय रो वी सी पी इनटू स्मॉल टी प्लस सम काइंड ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या है, आपके पास एक जनरल सॉल्यूशन आया है जो टेम्परेचर को, लंप के टेम्परेचर को टाइम के साथ रिलेट कर रहा है, और क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स थे तो हमारे पास एक सिंगल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आया है। और इसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपली बाय यूजिंग द इनिशियल कंडीशन। और इनिशियल कंडीशन ये कहती है कि आपका टाइम इंस्टेंट जीरो पे, जब आपने बॉडी को पानी में ड्रॉप ही किया था तो जीरो टाइम इंस्टेंट पे जो टेम्परेचर की वैल्यू थी वो टी आई थी, यानी कि 120 डिग्री सेल्सियस थी हमारे एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैं क्या कहूंगा, एज पर इनिशियल कंडीशन एट स्मॉल टी इक्वल टू जीरो द टेम्परेचर ऑफ द लंप इज टी ऑफ आई। ठीक है, तो जब इस कंडीशन को यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आएगा नेचुरल लॉग टी आई माइनस टी एफ इज इक्वल टू, ये जीरो बन जाएगा, प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट आ गई है। अब इस कांस्टेंट को यहाँ हम फर्स्ट इक्वेशन में यानी जनरल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी एल एन टी माइनस टी एफ इज इक्वल टू माइनस एच ए बाय रो वी सी पी into t plus ln of ti minus tf, जो कि हमारा constant है। ठीक है, अब ये constant वाली term को दूसरी side ले जाते हैं तो ln a minus ln b की form बन जाएगी, मगर वो तो ln a by b हो जाता है ना,
तो आप इसको जब इस तरफ ले जाएंगे तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ टी माइनस टी एफ। प्लीज ध्यान रखिए जो हमारा सिर्फ टी है जिसमें कोई सब्सक्रिप्ट नहीं है वो एक वेरिएबल है। वो क्या है? वो टेम्परेचर ऑफ लंप है एट टाइम इंस्टेंट टी, एक वेरिएबल क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाय टी आई माइनस टी एफ एंड दैट इज इक्वल टू माइनस एच ए रो वी सी पी इंटू स्मॉल टी। ठीक है, तो जब आपने लंप को पानी में गिराया आपका टेम्परेचर टी आई था लंप का, जो हमें पता है, आपका नहीं लंप का टेम्परेचर टी आई था जो कि हमें पता है। फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो टी एफ है और हम कांस्टेंट मान रहे हैं क्योंकि फ्लूइड का मास बहुत बड़ा है तो आप उसको हीट सप्लाई भी करते जाइए मगर वो एक थर्मल सिंक की तरह, थर्मल रिजर्वॉयर की तरह बिहेव कर रहा है, सिंक की तरह, आइडियल सिंक की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, एंड टी एच जो है वो कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ए जो है बेसिकली ए एस है, मुझसे यहाँ से सरफेस एरिया सबस्क्रिप्ट मिस हो गया, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ लंप। रो जो है डेंसिटी है, वी जो है वॉल्यूम ऑफ लंप है, सी पी जो है उसका स्पेसिफिक हीट है। तो किसी भी टाइम इंस्टेंट टी पे, या फिर कहने का मतलब है जैसे ही आपने लंप को ड्रॉप किया उसके टी सेकेंड्स बाद जो लंप का टेम्परेचर होगा वो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये नेचुरल लॉग का फंक्शन है हम इसको एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, तो जब आप दोनों तरफ से एक्सपोनेंशियल लेंगे तो मेरे ख्याल से आपका इक्वेशन जो है बड़ा अच्छा दिखाई देगा। आपकी इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, t minus tf is equal to ti minus of tf e raised to power minus ha by rho vcp into time। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास टेम्परेचर का किस तरह का वेरिएशन आ रहा है, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन आ रहा है। तो आई होप दिस डेरिवेशन इज क्लियर टू यू। जो इसे अगला जो वीडियो है उस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और देखेंगे, थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसी बेसिकली ये ग्राफ हम प्लॉट करेंगे टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये जो टाइम के साथ जो प्रोडक्ट आ रहा है दरअसल इसको 1/tau यानी कि 1/time कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो उस टाइम कांस्टेंट का क्या मतलब है, वो टाइम कांस्टेंट क्या बताता है, अगली वीडियो में हम वो देखेंगे। आई होप आपको समझ आया। थैंक यू वेरी मच।